हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रिहान। स्वागत है आपके अपने चैनल समाज सेवा टेक पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जे एंड के पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और टाइप करना है जेके पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2020। एंड देन आपको नीचे दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन, ऊपर है पहले फर्स्ट पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, तो नीचे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले नीचे आपको एप्लीकेंट नेम टाइप कर लेना, 10th की मार्कशीट पे जो है वो अपना नाम टाइप कर लेना, फादर नेम, इंटर मोबाइल नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो कुछ भी जो हो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे कम्युनिटी आएगी, आपने सेलेक्ट कर देनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो। देन आपको नीचे ईडब्ल्यूएस, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। फिर नीचे डिसेबिलिटी का पूछा जाएगा कि आप डिसेबिलिटी तो नहीं हो, देन आपको यस और नो में टिक कर देना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको पोस्टल सर्कल यानी अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा कि 10th ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है कि 10th कब पास किया आपने। उसके बाद नीचे पिक अपलोड कर देनी है, देन सिग्नेचर, उसके बाद नीचे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आई हैव स्टडीज पे टिक कर देना है, देन आपको नीचे आई हैव क्लिक द प्रीवियस बटन इस पर भी क्लिक कर देना, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। चलो मैं पूरी डिटेल भर देता हूँ, फिर वीडियो पे आता हूँ। फ्रेंड्स, पूरी डिटेल भर देने के बाद नीचे आपको सबमिट डिटेल दिख जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ इसको। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हमें आगे पेमेंट करनी है। स्टेप सेकंड दिख जाएगा आपको, देन उसके बाद स्टेप थर्ड एंड रिजल्ट। स्टेप सेकंड पे ऑनलाइन पर जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल के पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद स्टेप थ्री पे आना है, स्टेप थ्री अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद पूरा जो डिटेल है पूरी फॉर्म फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें आप फ्रेंड्स आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड कर रहे हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर कोई कैटेगरी है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अगर जर्नल है तो सिर्फ 10th की मार्कशीट अपलोड करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल समाज सेवा टेक को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें,
ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।